ऐसी राइवलरी जो सिर्फ क्रिकेट की राइवलरी ही नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा बढ़कर है। जितना लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बैटल को पसंद करते हैं उतना ही लोग इस बैटल को भी पसंद करते हैं। दी एशेज जब टेस्ट क्रिकेट में आमने सामने होती हैं दुनिया की दो सबसे बेहतरीन टीमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट का मैदान बन जाता है एक बैटल फील्ड जहां मैच जीतने के लिए खिलाड़ी पूरी जान लगा देते हैं। इतिहास की पहली एशेज टेस्ट सीरीज खेली गई थी 1882-83 में। कहने को तो ये भी एक वैसा ही मैच होता है जहां आमने सामने दो टीमें होती हैं। पर इसे एशेज ही क्यों बुलाया जाता है? सस्पेंस बहुत सारे हैं पर इस वीडियो को देख के आपको सब कुछ पता लग जाएगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर मैं आपको बताऊं कि एशेज की ट्रॉफी बस एक परफ्यूम की बॉटल है तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन यस, ये सच है। कहानी शुरू होती है 1882 में जब ऑस्ट्रेलियंस ने इंग्लैंड की टीम को उन्हीं के घर में हरा दिया था और इसके बाद इंग्लिश क्रिकेट को मॉक करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर में ये छपा था कि इंग्लिश क्रिकेट टीम विच डाइड एट द ओवल एंड द बॉडी वुड बी क्रीमेटेड एंड द एशेज इज टेकन टू ऑस्ट्रेलिया। इन सबको देख के इंग्लैंड की टीम के उस समय के कैप्टन इवो ब्ली बहुत दिल से चाहते थे कि एशेज की ट्रॉफी उनके घर वापस आए। इसलिए इंग्लैंड की टीम 3 मैच की सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया गई और सरप्राइजिंगली इंग्लैंड ने वो सीरीज जीत ली और इवो ब्ली ने इस जीत के साथ अपने वादे को पूरा किया। इस सीरीज के बाद फ्लोरेन मर्फी नाम की एक लेडी ने स्टंप्स की बेल्स को जलाया और उसके बाद बेल्स के एशेज को उन्होंने एक परफ्यूम बॉटल में असेंबल किया और उसे इंग्लैंड के कैप्टन इवो ब्ली को गिफ्ट कर दिया। और इस सब के बाद इवो ब्ली और फ्लोरेंस मर्फी की शादी भी हो गई थी। पर इन सब के बाद जन्म मिल गया था क्रिकेट की एक नई राइवलरी को जिसे बुलाया गया दी एशेज। हाल ही में जब आगाज हुआ एशेज 2023 का तब अंजाम ऐसा आया कि सबको पता लग गया इन दोनों टीम्स के बीच कितनी कांटे की टक्कर है। इंग्लैंड की टीम अपनी बैटबॉल क्रिकेट की अप्रोच पे अड़ी हुई थी पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी काबिलियत पे भरोसा दिखाया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दोनों टेस्ट जीत लिए थे, हालांकि दोनों ही मैचेस में टक्कर तो हमें जोरदार देखने को मिली थी। जब तीसरे टेस्ट की बारी आई तो इंग्लैंड के लिए वो डू एंड डाई का मैच था और इंग्लैंड ने खेला भी कुछ उसी तरह से क्योंकि वो मैच इंग्लैंड जीता था। अब इंग्लैंड के पास सीरीज में वापसी करने का पूरा मौका था पर बारिश ने इंग्लैंड की उम्मीदों पे पानी फेर दिया और चौथा टेस्ट बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। इस मैच के बाद सीरीज थी 2-1। अब सिर्फ यही हो सकता था कि या तो ऑस्ट्रेलिया जीतकर सीरीज 3-1 करेगी या फिर इंग्लैंड 2-2 से बराबरी करके इस सीरीज को ड्रॉ करवा देगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही क्योंकि इंग्लैंड आखिरी टेस्ट जीत गया और ये सीरीज ड्रॉ हो गई। बट एशेज रिटेन किया ऑस्ट्रेलिया ने और उन्होंने इंग्लैंड पे अपना दबदबा कायम रखा। तो ये थी एशेज की पूरी कहानी। लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो कि एशेज 2023 में आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी लगी।